Hi guys, welcome back to the new video. Guys, आज के वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड ढेर सारे कमेंट एंड शिकायतों के बाद वैसे मैं करती रहती हूँ अंडर थाउजेंड मतलब टाइटल में नहीं लिखती हूँ कितने मीशो के वीडियोस भी मैं बनाती हूँ उसके अलावा अमेजोन से भी कितनी अफोर्डेबल चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बट फिर भी ऐसे कमेंट आते हैं थोड़ा दिल टूट जाता है बट कोई बात नहीं चलो आज की वीडियो में मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ अंडर थाउजेंड रुपीज जिसमें सिंगल कुर्ती टू पीस कुर्ता सेट एंड थ्री पीस कुर्ता सेट सभी चीज़ें और सारी चीज़ें अमेजोन से हैं सो बहुत आसानी से आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं अच्छी ना लगे तो यानी कि आपके पास एक्सचेंज एंड रिटर्न का ऑप्शन भी है मम्मी वीडियो कर रही हूँ मैं बाद में करूँगी So, के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप चेकआउट कर लेना आप चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को एंड नाउ लेट्स के स्टार्टेड सबसे पहले तो जो मैंने पहनी है उसके बारे में आपको बताया कि शॉर्ट कुर्ती है ब्लू कलर की काफी प्यारी है लॉन्ग कुर्ती नहीं है बैठे हुए आपको दिख नहीं रहा होगा शॉर्ट कुर्तियाँ जीन्स वगैरह के साथ या फिर वाइड लेग प्लाजोस के साथ अच्छी लगेगी सो so, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज टू पीस कुर्ता सेट से और इसका प्राइस आई थिंक ट्रिपल नाइन है ये रयॉन फैब्रिक में है और ये बहुत ही सुंदर टू पीस सेट लगा मुझे स्ट्रेट फिट में कुर्ता है इसके ऊपर ये गोल्डन कलर का फॉयल प्रिंट किया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे आप इसे कैरी करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा साथ में रात के टाइम पे आप इसे पहनोगे तो इस पर ये जो फॉयल प्रिंट है ये बहुत ही ज़्यादा उभर के आएगा बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है मीडियम साइज में मुझे कंफर्टेबल रिलैक्स फिट मिल रहा है रेन के केस में आप एक साइज आप कर लेना लेंथ बहुत ही बढ़िया है बहुत ही कम्फर्टेबल था पहनने में और लुक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है और ये बिल्कुल बंद है कॉलर स्टाइल में है सो so, इस तरह का इसका स्टाइल है और इसके साथ ब्लैक कलर की वाइड लेग पैंट्स आती है लेंथ इसकी पूरी है क्रॉप नहीं है फुल्ली इलास्टिकेटेड है एंड ये भी रेन फैब्रिक में ही है फैब्रिक क्वालिटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी और साथ में क्या है ब्लैक कलर का होने के कारण ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो पाएगा बिल्कुल प्लेन है कोई इसके ऊपर फॉल प्रिंट नहीं है तो ईजिली आप इसे मिक्स मैच कर सकते हैं और कुर्तीज़ के साथ भी सो so, ये है फर्स्ट ऑप्शन इसके बाद मैं आपके साथ जो ऑप्शन शेयर करने वाली हूँ ना वो ज़्यादातर यू नो सॉलिड कलर में है सो सॉलिड कलर में होने के कारण तो वैसे उनकी यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है आप बहुत तरीके से उसे मिक्स मैच करके पहन सकते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दोपट्टा साथ साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। वैसे इनके दुपट्टा है।, तो है ये कुर्ता सेट गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा ये है वस्त्र मेनिया ब्रांड से मीडियम साइज में मुझे बहुत ही अच्छा फिट मिल रहा है एंड ये फैब्रिक में है ये अंगरखा पैटर्न है आप देखेंगे ना तो यहाँ पर फंक्शनल अंग रखा है इसको आपको टाई करना पड़ेगा डोरी से अंदर आपको एक अलग लेयर मिलती है और जो इसका अम्ब्रेला कट के अंदर फ्लेयर है ना वो ह्यूज है काफ़ी अच्छा फ्लेयर आपको इसके अंदर मिलेगा स्टिचिंग क्वालिटी एंड स्टिचिंग स्टाइल फैब्रिक वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा पूरा सॉलिड प्लेन कलर है और उसके ऊपर जो गोटा लगा हुआ है सिल्वर कलर का वो बहुत ही सुंदर लग रहा है एंड स्पेशली इस कुर्ता सेट का लुक काफ़ी अच्छा रहा है बिकॉज़ फ्लेयर भी बहुत अच्छा है अंग रखा मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है साथ में फुल स्लीव्स है स्लीव्स ना बिल्कुल भी टाइट नहीं है समर्स में ना इस तरह की थोड़ी सी लूज फिट के अंदर फुल स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती हैं सो so, इस तरह का ये कुर्ता है इसके नीचे आपको कोई लाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इसके साथ जो बॉटम आती है वो आप देख सकते हैं इस तरह की है स्मार्ट पैंट्स हैं ये नीचे से नैरो हो जाएंगे ऊपर से रिलैक्स फिट के अंदर है ये फुली इलास्टिकेटेड है ऊपर से आपको ढीली ढाली मिलेगी सो आप आसानी से उठ बैठ सकते हो नीचे जाके थोड़ी सी ये टेपर्ड हो जाती है और लेंथ आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है वैसे जो ये कुर्ता है ये काफ़ी लंबा है थोड़ी सी ही मेरी ये बॉटम दिख रही थी सेम कलर में बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है अच्छा आप इसे एस एच भी कैरी कर सकते हैं और इसके साथ दुपट्टा आता है ग्रीन कलर का शेयर उसके साथ भी इसे पेयर कर सकते हैं बहुत ही सुंदर लुक आएगा अदरवाइज आप डिफरेंट काइंड ऑफ दुपट्ट के साथ भी इसे मिक्स मैच कर सकते हैं ये कलर और ये जो स्टाइल है स्टिचिंग पैटर्न है सब कुछ मुझे बहुत ही सुंदर लगा सो so, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी एंड गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे इसका जो प्राइस है वो ट्रिपल नाइन है अनारकली की स्टिचिंग ही आई थिंक इससे ज़्यादा होती है सो so, ये वाला डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं नाउ जो नेक्स्ट पीस है वो कुर्ती ड्रेस है ये फुल लेंथ कुर्ती ड्रेस है मैक्सी ड्रेस भी आई थिंक इसे बोलते हैं एंड इसके ऊपर पूरे पे आपको ये थ्रेड वर्क मिल जाएगा सेम कलर का थ्रेड यूज किया गया है जैसे कलर का फैब्रिक है और साथ में इसके अंदर सीक्वेंट भी है पहले मैं इस तरह की वर्क को ना चिकनकारी मशीन चिकनकारी बोल दिया करती थी बट अभी मुझे पता चला है कि मशीन चिकनकारी कुछ होता ही नहीं है बस हैंड चिकन वर्क होता है चिकनकारी वर्क या लखनऊी वर्क जो होता है बट इसे हम बोलेंगे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी जो मशीन से की जाती है इसका स्पेशली कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा हल्दी फंक्शन जो है उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है अदरवाइज़ जो भी कोई फेस्टिवल आने वाले हैं ना उनमें भी आप आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं वन पीस में होने के कारण ईजी टू कैरी हो जाएगा साथ में इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छा ब्लिंग भी मिल रहा है क्योंकि सीक्वें है डे टाइम और नाइट टाइम में दोनों में ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है पीछे से इसका गला डीप है जिसके ऊपर डोरी लगाई हुई है इस तरह का स्टाइल काफी अच्छा लगता है साथ में फुल स्लीव है आप इसके साथ ना झुमकियां डाल लो कुंदन वाली और बहुत ही अच्छा लुक आएगा सो so, आप देख सकते हैं लेंथ भी अच्छा है फ्लेयर भी अच्छा है और पूरे पे आपको ये वर्क मिल जाएगा नीचे हैंड्स में आपको इस तरह से कट वर्क भी मिलता है नाउ नेक्स्ट कुर्ती है ये पिंक कलर की जो बहुत ही अफोर्डेबल है आई थिंक 500 के अंदर ये आपको मिल जाएगी साथ में आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही सुंदर नेक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है ये कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लगा और बहुत ही नीटली ये की गई है इसके अंदर जरी एंड सिक्वेन है इसके अंदर भी रय फैब्रिक है सभी पीसेस में मैंने मीडियम साइज ही लिया है एंड लेंथ वगैरह इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पूरा ऑल ओवर ये सॉलिड कलर में है इसके साथ वाइट बॉटम या फिर जो ऑफ वाइट कलर की बॉटम है दोनों ही बहुत अच्छी लगेंगी अगर आपके पास ग्रे कलर का बॉटम है तो वो भी इसके साथ पेयर कर सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल सोबर सा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपका ना स्पेशल ओकेज़न है अप्रोप्रिएट लुक बन सकता है इससे सो तो ये वाला भी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्यूशर पिंक कलर में तो कोई भी आउटफिट पहन लो बहुत ही सुंदर लगता है और थोड़ा सा ना उसके अंदर वो फेस्टिविटी एड हो जाती है नाउ इसी कलर में मैंने एक थ्री पीस कुर्ता सेट भी पिक किया है जो फ्लेयर के अंदर है ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा ये भी रयन फैब्रिक में ही है आप देख सकते हैं इसके नेक का डिज़ाइन कितना सुंदर है हल्का सा गोटा लगाया हुआ है ये फंक्शनल अंगरखा नहीं है बट इसका पैटर्न उसी तरीके से क्रिएट किया गया है फुल स्लीव्स आपको इसके अंदर मिलेंगी एंड यहाँ पर थोड़ा गोटा लगाया हुआ है सो सिल्वर कलर का गोटा इस कलर पे भी बहुत ही सुंदर लग रहा है इसके साथ सॉलिड कलर की ये बॉटम आती है काफी ज्यादा कंफर्टेबल रिलैक्स फिट में है ऊपर से आपको बहुत ही ढीली ढाली मिलती है नीचे भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा नैरो नहीं है लेंथ भी बढ़िया है बिल्कुल ऐसे क्रॉप स्टाइल में नहीं है नीचे गोटा वगैरह दिया हुआ है फुली इलास्टिकेटेड है एंड रेयन जो फैब्रिक है वो काफी अच्छा है ब्रीदेबल है रेयन के केस में जस्ट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि थोड़ा सा आप मार्जिन लेके रखना क्योंकि हल्का सा श्रिंक होने की टेंडेंसी होती है फिर ऐसा ना हो कि एक बार पहनने के बाद आपको लगे कि मैं इसे यूज नहीं कर पाऊंगी एंड इसके साथ भी शेयर दुपट्टा आता है जिसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी की हुई है जब कुर्ता सेट आपका सिंपल

ऐसे गोल गला मिल रहा है जो पीछे वाला नेक है ना वो गाइस डीप है और यहाँ पर ये डोरी लगाई हुई है बहुत ही सुंदर लग रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड यस yes, फ्लेयर आपको इसके अंदर काफी अच्छा मिलता है सो ऑल ओवर वाइट कलर में आपको बॉटम मिलेगा बॉटम सेमी इलास्टिकेटेड नहीं है फुली इलास्टिकेटेड है जो आप प्रेफर करते हैं एंड नीचे से थोड़ा नैरो हो जाएगा ऊपर से काफ़ी कंफर्टेबल रिलैक्स फिट है सो सेम फैब्रिक के अंदर ऑल ओवर मतलब कुछ भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है बिल्कुल प्लेन है ना गोटा है ना कुछ है सो so, ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पीस है और मस्ट हैव काइंड ऑफ पीस है सो so, डेफिनेटली आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं रेयन फैब्रिक में जो काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल भी है एंड गाइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये भी आई थिंक ट्रिपल नाइन या एट डबल नाइन के अंदर आपको मिल जाएगा इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको स्लिप ज़रूर से पहननी पड़ेगी क्योंकि वाइट कलर है ना थोड़ा सा इसके अंदर सी थ्रू का इशू होगा यहाँ पर जो दुपट्टा है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लोई है फ्लोरल प्रिंट किया हुआ और चारों तरफ ये गोटा है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है समर अप्रोप्रिएट है बहुत ही बहुत ही प्यारा लगेगा सो so, ये वाला पीस मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आज के जो कलेक्शन थे ना उसमें मुझे स्टिचिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगी आप देख सकते हैं कितना भर भर के फ्लेयर है तो इतना फैब्रिक यूज़ किया गया है एंड जो स्टिचिंग पैटर्न है ना वो भी बिल्कुल सिंपल सिंपल नहीं है बट स्टिल फिर भी आपको ट्रिपल नाइन के अंदर अंदर सारी चीज़ें मिल रही हैं सो so, काफ़ी अच्छी डील है मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप जरूर से इन्हें चेकआउट करना इनके परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं कौन सा आउटफिट आपको सबसे अच्छा लगा मुझ पे या आप बाय करना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना और इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करती हूँ आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाई